समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहा है और ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उन्हें आज जेल में रहना पड़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये बात अब वायरल होने लगी थी कि समाजवादी पार्टी आजम खान को भूल चुकी है। अब समाजवादी पार्टी को आजम खान याद नहीं आते। मगर इन तमाम बातों पर पूर्ण विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनको झूठे तरीके से फंसाया गया। अखिलेश ने यह भी कहा कि संसद को लेकर जमीन तक हम आजम खान की लड़ाई लड़ रहे हैं और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही आजम खान को न्याय मिलेगा। मगर बात थोड़ी और आगे की है। आइए आपको आजम खान को लेकर पूरी राजनीतिक स्थिति समझाते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पिछले कई महीनों से जेल में हैं। आपको बता दें कि आजम खान के ऊपर कई मामलों पर FIR दर्ज की गई, जिसमें बकरी चोरी से लेकर किताबों की चोरी से लेकर जमीन कब्जा करने तक सभी आरोप लगाए गए। इन तमाम मामलों की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मगर अभी तक आजम खान को कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। उनके ऊपर जितने मुकदमे लगे बहुतों में जमानत मिली है, लेकिन सभी मुकदमे झूठे और साजिश के तहत लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के प्रशासन से सब मुकदमे लगवाए। आप नहीं जानते, आपके ही पत्रकार साथी थे जिन्होंने केवल दाल में ये कह दिया कि केवल हल्दी मिली हुई है, उन्हें जेल जाना पड़ गया। एक पत्रकार है जिन्होंने दूध की सच्चाई दिखा दी, उन पर मुकदमा हो गया। एक पत्रकार था केवल शेयर कर लिया फेसबुक पे कुछ, कई महीने जेल में रहना पड़ गया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप बोलोगे, बोलने का मतलब नहीं सच दिखाओगे, तो आप जेल जाओगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता आजम खान कई महीनों से जेल में हैं, वहीं बाहर से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार आजम खान की बात उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव अलग अलग समय पर आजम खान के मुद्दों को उठाते हुए भी दिखाई दिए। अखिलेश यादव आजम खान से मिलने सीतापुर जेल भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने आजम खान के ऊपर कहा था कि आजम खान के साथ जो भी कुछ हुआ वो सरकार के षड्यंत्र और अधिकारियों की मिलीजुली साजिश के तहत हुआ। आजम खान द्वारा रामपुर में जो भी विकास किया गया उसी के बदले की राजनीति में सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि वो जौहर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की सबसे यूनिवर्सिटियों में से एक है, इस वजह से सरकार को जलन हो गई। और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने गोंडा और लखनऊ में कहा कि आजम खान के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, मैं खड़ा हूँ, उनकी कानून से लेकर जमीन तक जो भी लड़ाई है वो हम साथ लड़ रहे हैं। अखिलेश ने उनके लिए तक कहा कि हम इन सभी मांगों को लेकर लोकसभा स्पीकर से भी मिल चुके हैं और संसद में भी ये मांग उठा चुके हैं, मगर आजम खान साहब को सरकार फंसाने में लगी है। आजम खान की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा हाल ही में जेल से रिहा भी हुई हैं। इसके अलावा आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम अभी भी जेल में बंद हैं और उनके ऊपर फर्जी डिग्री का आरोप है। साथ में अन्य मामलों में भी FIR दर्ज की गई है। फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं और लगभग एक साल हो चुका है। आजम खान जेल से अपनी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और उनके साथी किस तरीके से आजम खान को रिहा कराने में कामयाब होते हैं और राजनीतिक लड़ाई को भी किस तरह से आगे जीत पाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।